चलिए आज एक और नए बच्चे से मिलते हैं, सागर शर्मा से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 545 है और ये दिल्ली से हैं। और सागर ने ये रैंक जो है फाइनल ईयर के साथ अचीव की है, तो सागर सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर थैंक यू। सर पहले तो मैं सर आपको, प्रतीक सर को और पूरी इम्पिटस टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, आपके सपोर्ट के कारण ही आज मेरे को एनआईटी मिला है। तो सागर, जैसे कि आपने देखा है हर साल मैं बच्चों के सेशंस लेता हूं और ये सेशंस एक्चुअल में हर बच्चे के लिए तो होता ही है, पर ये कई बच्चों की लाइफ को चेंज कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इससे सुन के अपने आप को कनेक्ट करता है और हर बच्चे की सक्सेस जर्नी बहुत अलग होती है। तो ये बताओ आपने कि आपने पहले तो एमसी के लिए कब सोचा, फिर निमसेट को कब टारगेट किया, और आपने क्योंकि ऑनलाइन रह के पढ़ाई की, इतनी अच्छी पढ़ाई की, रैंक आई है, तो आपका पूरा शेड्यूल क्या था और आपकी सक्सेस जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर तो मैं अपनी जर्नी की शुरुआत 12th के बाद से करूंगा। तो क्या था, 12th के बाद मेरे को जेई का पता नहीं था कि जेई भी दे सकते हैं, उससे हमको एनआईटी या फिर आईआईटी मिल सकता है और बीटेक से हमको अच्छा पैकेज मिल सकता है, तो उसकी अंदाजा नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन नहीं करी, उसके कारण से रैंक अच्छी नहीं आई मेरी जेई में। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरे को बीसीए कोर्स नजर आया जो कि अच्छा कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, तो मैंने बीसीए चूज कर लिया। उस समय मेरे को पता नहीं था कि एमसीए भी होता है, वो भी एनआईटी से होता है, तो मैंने बीसीए करना शुरू किया, एक साल निकल गया। उसके बाद मैंने सर्च किया कि आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यूट्यूब पे सर्च किया, तो सबसे पहले आपकी वीडियो नजर आई सर मुझे, तो आपकी वीडियो देखी है मैंने, उससे मोटिवेशन मिला, तो और सर्च करना शुरू किया कि एमसीए एंड निमसेट के बारे में और कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करी कि सिलेबस क्या है और सारी चीजें जानकारी प्राप्त करना शुरू करी। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर से सर मैंने स्टार्ट कर दी थी इसकी सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन, मैंने आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बाय कर ली थी और कोशिश करता था उसके एक एक क्वेश्चन सोल्व करूं और खुद से सोल्व करूं, सोल्यूशन ना देखना पड़े मुझे, ताकि मेरे जो लॉजिक है वो बिल्ड हो सके अच्छे से। उसके बाद ऐसे चलता रहा, दिसंबर में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी इम्पिटस की, और सर सही बात तो ये, वो टेस्ट सीरीज थी नहीं सर, वो पूरा कोर्स था, वो इतना अच्छा कोर्स था, रेगुलर क्लासेस होती थी, रेगुलर डाउट सेशन होते थे और टेस्ट भी बहुत तरह के होते थे उसमें, ऐसा नहीं है कि एक तरह का टेस्ट था, रेगुलर टेस्ट, एक दिन में दो दो तीन तीन टेस्ट दिए सर मैंने, तो ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। खुद का हार्ड वर्क तो होता ही है, लेकिन जो टीचर का गाइडेंस होती है वो जो आपने दी है, अपने जो कोड डालते थे बीच बीच में, उसने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद सर जैसे अपना लॉकडाउन आ गया, सेकंड वेव आ गई थी कोरोना की, तो डिप्रेशन में थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए थे कि अब क्या होगा, पहले 23 मई को होने वाला था, लेकिन उसके बाद आपने मोटिवेट किया, आपके मोटिवेशन के कारण ही हम रोज कंसिस्टेंटली रोज पढ़ते थे, रोज टेस्ट देते थे, उसके कारण धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे और फिर डेटा ही 7 अगस्त की एग्जाम की तो दिया, उसका एग्जाम को काफी अच्छा चला गया, तो आज एनआईटी मिल गया सर। देखो सागर, बिल्कुल आपने सही बात बोली कि इम्पिटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज भी ऐसी है जो कई सारे इंस्टीट्यूट की रेगुलर क्लास से भी कई ज्यादा चीजें कंटेंट कवर करती है, और आज हम हर तरह का बच्चा इम्पिटस से जुड़ा है, चाहे वो सेल्फ स्टडी करे, चाहे टेस्ट सीरीज, चाहे ऑनलाइन, चाहे क्लासरूम, और हर एक को मेरी यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा गाइडेंस मिले। तो आप जो टेस्ट सीरीज, आप जब टेस्ट पेपर देते थे, उनके एनालिसिस वगैरह करते थे, तो कॉलेज और एमसीए की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? सर उसके साथ हम क्या करते थे, डेली जैसे जैसे पेपर आते थे हमारे बीसीए के लिए, तो उसके थोड़े दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, साथ में धीमे धीमे दो दो घंटे पढ़ते गए साथ साथ में जैसे पेपर आ रहे हैं, तो ऐसे मैनेज किया। मेन मेरा फोकस था निमसेट के ऊपर ही, मेरे को एनआईटी में जाना था बस, तो उसी पर फोकस किया, रोज पढ़ते थे जैसे साथ साथ 8-8 घंटे पढ़ते थे, तो उसी से हुआ सर। अच्छा ठीक है, आप ये बताओ सागर कि अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने फाइनल ईयर के साथ रैंक अचीव किए, और मैं बताऊं बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि फाइनल ईयर में ये डिसीजन ही नहीं ले पाता है कि उसको करना है, या लेता है तो फोकस होके या पॉजिटिव माइंड से, या अपना 100% नहीं देता, तो आपको उन सब बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? सर मैं सबसे बड़ा मैसेज तो यही दूंगा कि सर आपको टेस्ट सीरीज तो जरूर लेनी चाहिए, मतलब अगर आप कोर्स नहीं भी ले पा रहे हो किसी कारण से, तो टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही है, वो मैंडेटरी है, उसमें आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बताएगा कि आप कहाँ लैंड कर रहे हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे हैं और आप कैसे हो, उनमें कहाँ पर हो आप, तो टेस्ट सीरीज आई थिंक वो सबसे जरूरी थी है, उसको लें और उसका एनालिसिस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर गलती करी है आपने, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। सर जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मेरे 400 के अप्रोक्स मार्क्स आए थे, उसके बाद धीमे धीमे जैसे गए तो 700 प्लस हो गए थे मेरे, 750 प्लस तक आने लग गए थे सर लास्ट में आते आते। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही बात बोली सागर। देखिए हर एक का कैरियर अलग अलग होता है, मान लीजिए आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लास ज्वाइन करना है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको टेस्ट सीरीज से आपका असेसमेंट पता चलता है, अगर आप ऑनलाइन में उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो घर पर रह के, तो क्लासरूम आ जाओ, यानी हर बच्चे का एक असेसमेंट अलग अलग होता है। जैसे आपने बोला आपने आरडी शर्मा सॉल्व करना चालू कर दी थी,
पर आप अपना अगर मान लो टेस्टिंग नहीं करते तो आपको ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स कैसे डेवलप करनी है। तो सब बच्चों का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है। तो बिल्कुल सही बात बोली सागर आपने, तो आपसे बात करके काफी मजा आया। अब आप इसी तरह अपने जूनियर्स को भी और वो लोग जो मिसगाइड होते हैं उनको गाइड करते रहिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, फिर से आपको और प्रतीक सर को, थैंक यू सपोर्ट किया सर आपने। थैंक यू बेटा। ओके सर।